आपकी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। आतंकी कनेक्शन के आरोप में मडोरा के देव बहु आरा से जावेद आलम पुलिसिया गिरफ्त में। जावेद पर आरोप है कि उसने छपरा से 7 रिवॉल्वर ले जाकर आतंकियों को दी थी डिलीवरी। सोमवार को सारण के मडोरा थाना क्षेत्र के देव बहु आरा गांव से बिहार पुलिस की टीम ने जम्मू कश्मीर के पुलिस की सूचना पर आतंकी कनेक्शन के आरोप में एक युवक को उठा ले गई है। आतंकी कनेक्शन की जानकारी सामने आने पर क्षेत्र में यह खबर आग की तरह फैल गई। खबर है कि जम्मू कश्मीर प्रांत के दक्षिण कश्मीर के आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक का पंजाब में पढ़ रहे कश्मीरी समेत कुछ छात्रों से तार जुड़ा था, जिसमें मुश्ताक नाम का एक बिहार का युवक भी शामिल था। अब ये कहा जा रहा है कि मुश्ताक आलम, जो पंजाब के मोहाली में नर्सिंग की पढ़ाई करने के साथ उसके भी आतंकी कनेक्शन थे। कहा जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर के आतंकी हिदायतुल्लाह मालिम ने पंजाब में पढ़ाई कर रहे मुश्ताक के माध्यम से बिहार के सारण जिले के मडोरा थाना क्षेत्र के देव बहु आरा गांव के रिटायर्ड शिक्षक महफूज आलम के 25 वर्षीय पुत्र जावेद आलम से 7 पिस्टल मंगाई थी। पुलिस हिरासत में लिए गए जावेद आलम पंजाब में पढ़ाई कर रहे मुश्ताक के सहोदर भाई हैं। इस संबंध में रिटायर्ड शिक्षक महफूज आलम ने बताया कि सोमवार को 2 दर्जन के आसपास की संख्या में सादे लिबास में आई पुलिस टीम ने खेत में पटवन कर रहे मेरे पुत्र जावेद को उठा ले गई, साथ ही घर को घेर कर पूरी तरह से तलाशी ली, लेकिन घर से कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस टीम ने पूछने पर आरोप संबंधी कुछ भी नहीं बताया, जिसके बाद पुत्र को मुक्त करने की फरियाद सारण के पुलिस अधीक्षक और बिहार के DGP को आवेदन देकर की गई। पंजाब में पढ़ रहे पुत्र मुश्ताक के संबंध में बताया कि पिछले 2 दिनों से उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हम लोग समझ रहे थे कि पढ़ाई में व्यस्तता के कारण स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन अब जैसे कहा जा रहा है कि उसको भी पुलिस उठा ले गई है। उन्होंने आगे कहा है कि मेरा बेटा इस तरह का काम नहीं कर सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा, फिर भी पुलिस जाँच में दोषी निकलेगा तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। यहाँ पे सब कुछ नहीं होती, अभी तो उसकी तबीयत खराब था, खेती बाड़ी कर रहे थे, तैयारी वारी कर रहे थे, अभी भी उसका जज्बा था कि हम जाएंगे, भरे हैं परीक्षा, कितने बार ट्राई किए, कब कब ट्राई, 3 बार। अभी सजा उसके लायक हो वो दिया हमको एकदम सहर्ष मन। अभी तक जैसा कि बता रहे हैं आप कि आप अनभिज्ञ हैं, लेकिन अगर ये पता चले कि आतंकी कनेक्शन कहीं से है तो क्या क्या चाहेंगे आप? एकदम चाहेंगे कि उसको सजा हो, जांच सही हो, सही निर्दोष को दोषी नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? महफूज आलम। एक बार भी बाहर नहीं, मालूम नहीं है सर, तो हम लोग क्या बोले, कैसे बताएं, हम लोग तो एकदम अपना लड़का लोग के लड़का खाती तो हम लोग रो रहे हैं कि बहुत बीमार है, उसी समय में लेकर चले गए। एक लड़की तो आपको तो वहाँ से भी गिरफ्तार किया गया है जी, तो पढ़ने के लिए उसको भी हम रखे हैं मेडिकल की तैयारी करने के। पकड़े गए हैं लोग, उन्होंने बताया कि ये लोग हथियार का सप्लाई छपरा, कुछ भी हम लोग को मालूम नहीं है, वो नहीं लोग फंसाया होगा, कश्मीरी होगा कोई फंसाया होगा, हमारा बाबू को गलत सलत इल्जाम लगा कर फंसाया होगा, डेरा धमका कर। हमारा तो बाबू का यहाँ अपना धरती से बहुत मोहब्बत है, कैसे हो सकता है हमारा लड़का ऐसा। हम तो पढ़ने के लिए मेडिकल को तैयारी करने के लिए उसको हम अथी करे हैं, पढ़ने के लिए डॉक्टर के तैयारी करने के लिए एडमिशन कराए हैं सर, बहुत शौक था उसका, पिता का कहा हमारा एक ठो लड़का डॉक्टर बनेगा, निकाल कराइएगा, हमारा 12 लड़का को बहुत शौक था कि हमारा आर्मी बनेगा, हमारा लड़का को बहुत शौक था कि हम आर्मी बनकर दिखाएंगे सबको, हम आर्मी बनकर दिखाएंगे, कोई तो हम डिफेंस निकालेंगे, हमको बहुत शौक है धरती से मोहब्बत शौक था सर। आतंकी कनेक्शन बताया जा रहा है, ये बात आप सुनकर आपको क्या लगता है, क्या तकलीफ हो रही है? कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी आतंकी कनेक्शन में किया गया है। बहुत तकलीफ हो रही है सर, हम तो गिर जाएंगे, अब तो हम मर जाएंगे, अपना बच्चा को कैसे होगा जब कोई रिपोर्ट नहीं होगी तो वापस जी सर, हमारा बच्चा को किसी तरह निर्दोष साबित कर ला दीजिए सर, कैसे कर सकता है, निर्दोष है, कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई साजिश क्या होगा बाहर वाला, हमको तो बच्चा हमारा कभी भी यहाँ से गए ना।
कि काहे के लिए ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, बोलिए सर हमारे बच्चा को बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसको मर जाएगा, बोलिए सर। तो बोलता है कि जाइए आप लोग, जाइए आप लोग ठीक रहिए, आप लोग लड़का कुछ नहीं होगा, हम लोग ले जा रहे हैं पटना, ले जा रहे हैं पटना, रखेंगे बड़ा बाबू से एक घंटा में मिल लेना, बस ये बोला लेकर चला गया। सब लोग बहुत सारा आदमी था सर, डॉक्टर क्या करा हुए वो भी जानता है, हमारा बच्चा बहुत बीमार है बहुत ज्यादा सर। जावेद का इस तरह का कोई पुराना रिकॉर्ड भी था क्या? नहीं, कोई ऐसा नहीं, नहीं। तो जावेद को पुलिस उठा ले गई है, क्या है पूरा मामला? कुछ संज्ञान में हमको मालूम नहीं है सर कि मैंने किस लिए उठा कर ले गई। एक बार लोग आए सिविल में थे लोग, न जाने असामाजिक तौर थे या पुलिस थी, और मेरा बच्चा को यहीं से पकड़ कर और गाड़ी में बैठाए। मैं पूछते रह गया कि आप लोग कौन है, किस केस में उठा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिए। कहा कि एक घंटा के बाद बड़ा बाबू से थाना में मिल लेना, मालूम चल जाएगा। वहां पर गए मैं, कोई बड़ा बाबू कहे कि यहां पर कोई केस नहीं है, हमको कुछ मालूम नहीं है। इसके बाद मैं पुलिस महानिरीक्षक के यहाँ छापना में गया, एक आवेदन दिया और DGP को एक मेल किया अपने बच्चा के बारे में जानकारी के लिए। कल कितने बजे आए थे? 11 बजे। 11:30 हम लोग गए अपना बच्चा को, कुछ भी नहीं मालूम सर, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी हम लोग, मेरा भाई लोग निर्दोष है, हम लोग बस यही बस कहेंगे। लोगों को फंसाया गया है, कोई उन लोगों का फंसा दिया है बाहर वाला। हम लोग बड़े वाले भाई को देश से प्रेम था, वो डिफेंस में जाना चाहता था सर, आर्मी का 4 बार निकाल चुका है सर, बस हम यही। अभी भी तो भरा है परीक्षा दिए बिहार पुलिस का। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।